सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूँ पूजा एंड वेलकम टू माई हैप्पी गार्डन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, गार्डनिंग भी कर रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, 3-4 दिन के ख़राब मौसम के बाद अब मौसम खुल गया है थोड़ा सा। आज है 8th of January, आप देख सकोगे अभी जस्ट 10 मिनट पहले बारिश होके हटी है। और बस ये है कि क्लाउड्स जो हैं वो छट गए हैं बारिश होने के बाद। अब धूप तो खिला ही है, बट आई डोंट नो कल क्या मौसम रहेगा, क्योंकि अभी तक भी बारिश का फोरकास्ट है। फिलहाल के लिए धूप आ गई है, तो धूप आने के साथ साथ मैं भी भाग के टेरेस पे आई हूँ ताकि मैं अपना एक व्लॉग शूट कर पाऊँ यहाँ पे। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगेगा। काफ़ी चीज़ें मैंने देखी यहाँ पे जो आंधी तूफान की वजह से थोड़ा सा डैमेज है, वो भी इस वीडियो में शेयर करूँगी। देख के थोड़ा बुरा लगता है और थोड़ा सा सैड फीलिंग आती है, बट स्टिल क्या कर सकते हैं। एक्चुअली हवाएं भी काफ़ी तेज़ चल रही हैं, अभी भी जैसे मौसम खुल गया है तो बहुत तेज़ हवा है साथ में, उस वजह से मेरे प्लांट्स वगैरह कुछ टूट गए, कुछ गिर गए। सबसे ज़्यादा नुकसान जो है ना मुझे वहाँ पे, मेरे 2 पॉट्स जो है ना रोज़ेस के उस तरफ को गिर गए हैं। अभी मैं आपको दिखाती हूँ और फिर उनको मैं उठा के, अभी जैसे हवा बहुत तेज़ है, मौसम बिल्कुल अनसर्टेन है, तो मैं ये सारे प्लांट्स जो यहाँ पे रखे हुए हैं इनको मैं उठा के यहाँ ले आऊँगी ताकि गिरने का एटलीस्ट ख़तरा ना रहे। देन ये मैट्स हैं ग्रीन वाली जो यहाँ पे आप देख पाओगे, आर्टिफिशियल ग्रास लगाई हुई है, तो इसको भी मुझे उठाना है। हालांकि धूप तेज़ है तो अब थोड़ा थोड़ा कहीं पे सूखने लगा है टेरेस, लेकिन अभी भी किनारे किनारे में जैसे पानी इकट्ठा हो गया है वहाँ पॉट्स के नीचे, थोड़ा इस तरफ एंड देन वहाँ पे भी थोड़ा टैंक के आसपास, तो ये उठा दूँगी तो जल्दी सूख जाएगा, क्योंकि टेरेस पर फिर गार्डनिंग करते हैं तो थोड़ा बहुत पानी वगैरह का ध्यान रखना ही पड़ता है। सीपेज वैसे अभी नीचे कोई नहीं आई है, बट स्टिल प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने के पर्पज़ से। देन स्ट्रॉबेरी में फ्लावर्स आने स्टार्ट हो गए हैं, मैं आपको चलो थोड़ा दिखा देती हूँ। स्ट्रॉबेरी में फ्लावर्स आ रहे हैं, ये देखो यहाँ पे फ्लावर्स आ रहे हैं और बारिश भी हो गई है। बारिश होने के बाद अपने गार्डन में एंटी फंगल ज़रूर से यूज़ कीजिएगा, क्योंकि बारिश होती है तो फिर फंगस वगैरह का भी खतरा बढ़ जाता है। जैसे अभी स्ट्रॉबेरी वगैरह, इसमें काफ़ी जल्दी फंगस लगती है, तो इस तरीके से काफ़ी यहाँ पे अनियंस रेडी हो गए हैं, स्प्रिंग अनियंस, वो हार्वेस्ट करने हैं। आज मैं इनको हार्वेस्ट कर लूँगी, क्योंकि अगर और बारिश इन्होंने झेली तो अभी ये सब ख़राब हो जाएगा। देन बारिश तो हुई, हवा भी चल रही है काफ़ी। ये देखो आप स्टैंड ना यहाँ पे ये टिल्ट हो गया है पूरा। अच्छा हुआ कि ये गिरा नहीं, क्योंकि मैंने इसको नीचे से बांधा हुआ है, और अगर मैंने नहीं बांधा होता तो ये डेफिनेटली गिरता, सारे के सारे पॉट्स गिर जाते और काफ़ी नुकसान मुझे देखने को यहाँ पे मिलता अपने गार्डन में। अभी भी आप देखो, ये अगर मैं पास से दिखाऊँ तो ये इतना टेढ़ा है, मुझे इसको इस तरीके से सीधा करना है। अभी मैं इसको करके जाऊंगी साथ में। यहाँ पे आप देखो ये हवा की वजह से यहाँ पर आ गया है। आई एम ग्लैड कि ये मैं पॉट्स मैंने यहाँ वॉल पे रखे, ये नीचे की तरफ नहीं गिरे, नुकसान हो सकता था, किसी के लग जाती तो और गलत हो जाता, तो इसलिए मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से उठा के इस तरफ कर देती हूँ। और ये सारे पॉट्स जितने भी मैंने वॉल के ऊपर रखे हुए हैं, सबको नीचे करके जाऊँगी, नीचे रख के जाऊँगी। और ये गजानिया की तो बाहर आई हुई आप देख सकते हो, ब्यूटीफुल सा पेंजी भी यहाँ पे खिल गया है एक नया, ये देखो कलर बहुत ही प्यारा है इसका, ये पर्पल में है और ये ब्लू पर्पल एंड देन येलो भी है साथ में। यहाँ पे आप देखो, यहाँ भी 2 कलर के पेटूनिया एक ही प्लांट में खिल रहे हैं, दिस इज मजेंटा शेड और यहाँ पे ये है पर्पल, आपको डिफरेंस नज़र आ ही रहा होगा। 2 शेड्स आई हैं अलग अलग शेड्स के, फ्लावर्स एक ही प्लांट में खिल रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर भी ये पर्पल कलर का है, आप देख सकते हो, ये देखो ये मजेंटा है और ये पर्पल है। ये नुकसान यहाँ पर हुआ है आंधी तूफान से। यहाँ पे हमारे पास मैरीगोल्ड के प्लांट काफ़ी बड़े हो गए थे, फ्लावरिंग अभी तक कर रहे हैं, और इसकी वजह से ये टिक नहीं पाया। जिस बकेट में लगाया था वो भी टूट गई है थोड़ी सी, इसको भी उठाना है मुझे। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर ये छोटे पॉट्स तो चलो सेफ हो रखे हैं अभी तक, और ये रात की रजनीगंधा, रजनीगंधा में देखो कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है, खा लेती वैसे, चलो खा दो, थैंक यू। हाँ कोई नहीं, मैं उठाऊँगी बाद में उठा लूँगी। तुम्हारे साथ में पड़ोसी, पड़ोस में बच्चा है, एक पॉट तो उसने उठा दिया, बाकी मैं उठाऊँगी क्योंकि मिट्टी विट्टी भी गिर गई है। तो यहाँ पे आप देखो इस तरीके से ये सारा उठाना पड़ेगा, मुझे पहले पॉट नीचे उतारने हैं, उसके बाद मैं यहाँ पे जा सकती हूँ उस तरफ। तो सबसे पहले ये मैट उठाती हूँ, मैट के नीचे क्योंकि पानी थोड़ा रह जाता है, बहुत ज़्यादा तो नहीं बट फिर भी मॉइस्चर रह जाता है और ये पानी भी काफ़ी सोख लेती है,
देखो बहुत ज़्यादा तेज़ धूप हो तो फिर तो सूख जाता है साथ के साथ पानी, बट स्टिल अभी ऐसे तो नहीं सूख पाएगा इसलिए इसको उठा देते हैं। सो इन सारे पॉट्स को मैंने यहाँ लगा दिया है और अच्छे लगते हैं वैसे यहाँ पर भी, बट वो वॉल पे रखे हुए ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और फ्लावर्स का भी नुकसान हुआ है यहाँ पे, देखोगे आप ये अच्छे अच्छे फ्लावर्स जो खिल रहे थे बड़े बड़े ये टूट गए। कुछ बर्ड्स खिल रही हैं बट ये सुंदर वाली बर्ड्स जो मैंने आपको कहा था कि ब्लैक दिखती है ये अभी बच गई, तो इसलिए अभी नीचे होपफुली बची रहेंगी। ये देखो इस तरीके से ब्रांचेस कुछ और टूट गई हैं। देन ये प्लांट जो है ये सबसे थोड़ा बड़ा था, इसकी ब्रांचेस थोड़ा ज़्यादा लंबी थी इसलिए ये गिर गया। पॉट का नुकसान हो गया, इसको दूसरे पॉट में शिफ्ट करना पड़ेगा। और बात यह है कि मेरे पास पॉट भी खाली नहीं है कोई अभी इसके लिए, और मैं चाहती हूँ कि मैं इसको मिट्टी के पॉट में ही डालूँ क्योंकि प्लास्टिक के पॉट में तो वैसे ही ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं रोज़ेस के। यहाँ पे भी अभी देख रहे हो आप पानी भरा हुआ है पूरा। देन ये अमरूद का प्लांट ये भी थोड़ा बड़ा है तो इस वजह से ये गिर गया है यहाँ पे अपने ही। ये देखो इसको सीधा कर दिया मैंने, इसमें भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ चल रही है। अभी तो थोड़ा और बड़ा होता तो ये इसके ऊपर गिरा था, इसको भी साथ में गिरा देता, बट चलो होपफुली ये तो बच गया। मौसम साफ हो गया है वैसे, लेकिन फिर भी अगर आप देखोगे ध्यान से तो बैकड्रॉप में आपको काले बादल नज़र आ रहे होंगे। ये बीच में थोड़ा साफ हो गया था, होपफुली अब और बारिश तो ना हो, बट स्टिल मौसम के आगे तो किसी की नहीं चलती, कुदरत के आगे। देखते हैं शाम तक शायद और बारिश होगी, कल रात को भी पूरी रात बारिश होती रही है, सुबह जाके थोड़ी कम हुई थी एंड देन उसके बाद धूप आई, फिर उसके बाद फिर बारिश आई, फिर अब एकदम चटक वाली धूप है, लेकिन फिर थोड़ी देर में शायद बारिश आ सकती है। यहाँ पे मेरे काफ़ी सारे फ्लावर्स थे मोरिंगा के, वो झड़ गए, इसकी सारी पत्तियाँ झड़ चुकी हैं ये जो प्लांट है यहाँ पर लगाया हुआ है। और क्रिसेंथेमम में भी यहाँ पे डैमेज देखने को मिल रही है, ये देखो ये इसकी ब्रांचेस टूट गई हैं, तो भी एक आधे की ब्रांच टूटी है, ज़्यादा तो इसमें नुकसान नहीं हुआ है। और ये प्लांट्स के ये जो बैग्स हैं इसमें एक्चुअली पूरी मिट्टी भरी हुई है, तो ये थोड़ा हैवी भी थे और प्लांट्स ज़्यादा लंबे भी नहीं है तो इसलिए गिरने के चांसेस तो नहीं आए। नास्टर्शियम में देखो काफ़ी सारे फ्लावर्स खिल गए हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं ये, अब येलो ऑरेंज खिले हैं और बीच में इसमें अभी तक नहीं खिले हैं फ्लावर, होपफुली जल्दी आ जाएंगे, बर्ड्स आ चुकी हैं। ये वाला पार्ट मैंने उठा दिया, मैट का किनारे में रख दिया, अभी ये वाला पार्ट उठाना है। बट इसको उठाने से पहले मुझे सारे पॉट्स हटाने होंगे। वो वाले बैग में मैंने आलू लगाए हुए, वहाँ पे भी वो कार्टन था ना एक्चुअली, तो वो पानी से पूरा गल गया है, उसको हटाना होगा और धूप पे लाना होगा, नहीं तो अगर आलू लगे भी होंगे तो सब ख़राब हो जाने वाले। देन ये सारे पॉट्स हटाऊंगी, सीडलिंग्स वहाँ पे देखो पानी जमा है, सीडलिंग ख़राब हो सकती है। यहाँ पे काफ़ी सारा धनिया और गार्लिक लगी थी, धनिया हार्वेस्ट कर लिया गया था बट उसके बाद जो गार्लिक थी वो गिर गई, ये देखो ये हवा से इस तरफ पूरी गार्लिक गिरी है, वहाँ पे वो हवा से काफ़ी टेढ़ी हो गई हैं ब्रांचेस, इसको ठीक करना है अभी स्टैंड को। जैसे ही मैंने इसे संभालने के लिए हाथ लगाया ये पूरा ही कोलैप्स हो गया, और देखो एक्चुअली ये नीचे इसके स्टैंड में प्लास्टिक था ना ये टूट गया है यहाँ से, वो वहाँ से, तो अब मुझे इसको पूरा ही हटाना पड़ेगा। मेरा गार्डन मतलब मैं क्या बोलूँ, मतलब एक चीज़ करते करते दूसरी तीसरी सब हिल गई और पूरा इसका लुक ही चेंज हो गया, अब तो यहाँ पे वॉल्स काफ़ी खाली लग रही है। पेटूनिया वाली हैंगिंग बास्केट ये भी गिर गई है, ये गिजानिया खिले नहीं थे अब खिल गए धूप आने से, ये देखो। सो फ्रेंड्स ये सारा मैंने क्लीन कर दिया है, सारे पॉट्स हटाए सो दैट यहाँ पे सूख जाए, आप देख पाओगे कितना पानी है। प्लीज़ हवा बहुत तेज़ चल रही है, तो मैं जितना मर्जी बोल सही बोलने की कोशिश करूँ लेकिन